नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं जून महीने के राशिफल की और कर्क लग्न की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्रह गोचर से। सूर्य 15 जून को मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, बुध 7 तारीख को वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे और 24 तारीख तक वहीं रहेंगे। 24 तारीख को वापस से बुध का भ्रमण होगा मिथुन राशि में। शुक्र 30 तारीख से यानी कि 30 मई से वो पूरे ही महीने कर्क राशि के अंदर ही हैं और शनि 17 तारीख को वक्रवस्था में आने वाले हैं। ये एक मुख्य रूप से जो गोचर है वो मैंने आपको बताया है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लग्न से। कर्क लग्न और लग्न का स्वामी है चंद्रमा और लग्न में ही आपके मंगल बहुत नीचस्त अवस्था में है। शुक्र यहाँ पर ऑलरेडी स्थित है, शुक्र मंगल का एक योग बना हुआ है। मंगल आपके दशम भाव के स्वामी होकर लग्न में है और आपके पंचम भाव के स्वामी भी यहाँ पर है। देखिए, शुक्र जो है वो आपका चतुर्थेश बनकर लग्न में है और साथ में शुक्र की अवस्था लाभ का स्वामी बन के शुक्र में है, तो इस महीने अपॉर्चुनिटीज आपके कार्यस्थल में सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगी आपकी। मुझे लगता है कि आपका प्रेजेंटेशन काफी स्ट्रांग रहेगा। यहाँ पर जो शुक्र मंगल की स्थिति है वो आपको अट्रैक्शन का केंद्र बनाकर रखेगी। आप कहीं पर भी कार्य करेंगे वहां आपका अट्रैक्शन रहेगा आपके प्रति लोगों का। एक कहीं पर भी आपको अगर इंटरव्यू देना है तो वहां पर भी आपका एक प्रभाव रहेगा। चीजों को लेकर लोग आपके एक्सेप्टेंस बहुत अच्छी रहेगी लोगों के प्रति। यहां पर क्या है कि मंगल नीच के हैं और कार्यस्थल का स्वामी होकर है, पंचमेश होकर है, तो मुझे लगता है एक तो उतावलापन मत कीजिएगा। बहुत ज्यादा जल्दबाजी, बहुत ज्यादा अग्रेशन ये मंगल आपके अंदर डेवलप करता है और कार्यस्थल में कोई भी प्रकार की रिलेशनशिप आपकी अगर बनती है तो वो आपके लिए काफी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो सकती है। ये व्यक्ति के चरित्र को थोड़ा सा मुझे लगता है मंगल और शुक्र की परिस्थिति ऐसी है कि वहां पर आपके रिलेशनशिप काफी डेवलप हो जाती है। आपके मन में लग्जरी, ब्यूटी, इन चीजों के प्रति अट्रैक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। घर के अंदर भी आप बहुत सी चीजों में नई नई चीजें खरीदना, एक्सपेंस बहुत ज्यादा है और यहाँ व्यक्ति मल्टीपल पार्टनर्स में भी विश्वास करना शुरू कर देता है, क्योंकि मंगल और शुक्र जो है और वो भी चंद्रमा की राशि में है तो भटकाव की स्थिति क्रिएट करते हैं। ये समय आपके लिए करियर वाइज बहुत अच्छा है, करियर में आपके लिए अपॉर्चुनिटीज है, मगर गलती भी यही करवाता है। और 10th लॉर्ड होकर लग्न में बैठा है तो अपॉर्चुनिटीज तो मिलेगी आपको, मगर भटकाव की स्थिति से आपको डेफिनेटली बचना है और कहीं पर भी सुपीरियर्स के साथ आपको अग्रेसिव बिहेवियर से आपको दूर रहना है। बाकी आपके लिए बहुत फाइनेंशियली एक अच्छा समय कहूंगी मैं। सेकेंड हाउस की बात करते हैं। सेकेंड लॉर्ड जो है सूर्य बनकर आपके पहले तो 11वें स्थान में है और 15 तारीख के बाद 12वें स्थान में। 15 तारीख के बाद मुझे लगता है फैमिली से रिलेटेड कुछ खर्च उठाने पड़ सकते हैं, एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको कुछ खर्चे उठाने पड़ सकते हैं। और 15 तारीख तक की अवस्था ऐसी है कि आपके लाभ स्थान में सूर्य है तो वो आपको लाभ की प्राप्ति डेफिनेटली बनती रहेगी, मगर 15 तारीख के बाद खर्चे बढ़ेंगे और यहाँ पर वो एक्सपेंसेस आपको सेविंग्स को मुझे लगता है कि आपको बहुत बचा के रखना पड़ेगा, क्योंकि लग्न में भी शुक्र मंगल है तो वो आपको काफी खर्चीले स्वभाव का बना देता है। व्यक्ति अपनी इच्छाएं इतनी ज्यादा हो जाती है और इतने ज्यादा मतलब जैसे खूबसूरती के पीछे खर्चा करता है, फैमिली के अंदर, घर के अंदर बहुत सी नई नई चीजें खरीदना, तो वहां उसकी सेविंग्स खत्म होना शुरू होती है। तो 15 तारीख के बाद इस चीज का ध्यान रखना, खास करके 15 तारीख तक तो लाभ की अवस्था बहुत अच्छी है, उसके बाद अपने खर्चों पे बहुत नियंत्रण रखना है। और यहां पर एक तरह से कहा जाए कि फैमिली के अंदर भी कहीं पर भी अपने स्वभाव में अग्रेशन नहीं आना चाहिए। तृतीय भाव की बात करते हैं। तृतीयेश बुध बनकर पहले तो 10th हाउस में है 7 तारीख तक, उसके बाद 11th हाउस में लाभ स्थान में, उसके बाद 12th हाउस में। कंटिन्यूअस आपके लिए मुझे लगता है कि ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा होगी, कार्यस्थल से रिलेटेड आपको कोई भी परिवर्तन है, जॉब में कोई भी चेंजेस करते हैं, तो मुझे लगता है यहाँ पर आपके लिए 7 से 24 तक का समय ऐसा है ना कि वो
अगर यहाँ पर कोई भी प्रकार का आप परिवर्तन करते हैं तो आपके लिए बहुत बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। आपको जॉब में कोई भी चेंज करना चाहते हैं कर सकते हैं। एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि जो आपका तृतीयेश है वो आपको कंटिन्यूअस भ्रमण करवाएगा और नई नई चीजों को आप नई नई टेक्नोलॉजीज को सीखने का मौका मिलेगा आपको, और अपनी जॉब से कनेक्टेड या बिजनेस से कनेक्टेड काफी सारे एक तरह से नई नई अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेगी, फाइनेंशियल इनकम में वृद्धि होगी। चतुर्थ भाव की बात करते हैं, चतुर्थेश लग्न में है तो कोई भी नया घर खरीदना चाहते हैं उनके लिए अच्छा है, घर में रिनोवेशंस करवाना चाहते हैं कर सकते हैं, मगर बहुत प्लान करके चलिएगा। यहाँ पर व्यक्ति को बहुत ज्यादा ओवर एक्सपेंडिचर की तरफ आप मत चले जाइएगा, व्हीकल्स लेने की तरफ आपकी इच्छा बढ़ सकती है। मंगल का यहाँ पर चतुर्थ भाव में जो दृष्टि है ये व्यक्ति को थोड़ा स्वभाव में अग्रेशन बहुत ज्यादा लेती है, साथ साथ में उसके मन में बहुत लग्जरी से कनेक्टेड इतनी ज्यादा विचार आने शुरू हो जाते हैं, एक तरह से लस्ट होती है व्यक्ति के अंदर, बहुत ज्यादा रिलेशनशिप के बारे में वो सोचना शुरू कर देता है। और यहाँ एक चीज मैं जरूर कहूंगी, माता के साथ थोड़े से संबंधों में क्लैशेस हो सकते हैं, तो वहां इस महीने थोड़ी शांति रखिएगा। और ये जो चतुर्थ भाव है मन का स्वामी है, तो मन के अंदर मन का स्वामी जब लग्न में मंगल के साथ है तो डेफिनेटली वो मन के अंदर 24 घंटे उसके यही होता है कि वो किस तरह से रिलेशनशिप डेवलप करे, तो वहां आपको संयम रखना है इस महीने खास। पंचम भाव की बात करते हैं, पंचमेश शुक्र बनकर लग्न में है तो ये डेफिनेटली मैंने कहा कि ये महीना बहुत ज्यादा लव रिलेशनशिप की तरफ लेकर जाता है, स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट्स को भी भटकाव की स्थिति क्रिएट करता है। और ये समय क्योंकि मैंने काफी हद तक देखा है कि काफी रिलेशनशिप डेवलप भी होती है और ब्रेक भी हो जाती है कि मंगल बहुत नीचस्थ है तो यहाँ व्यक्ति एक से ज्यादा पार्टनर्स की तरफ चला जाता है, और ये सब चीजें शुक्र मंगल के कारण होती है। तो अपने मन को भटकाव से बचाइएगा। जो भी स्टूडेंट्स हैं अगर करियर का सिलेक्शन करना है यहाँ पर, आर्किटेक्चर में जाना चाहते हैं, होटल मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं, या आईटी इंजीनियरिंग के अंदर जाना चाहते हैं और मेडिसिन में भी जाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है, मगर किसी न किसी की एडवाइस लेकर कार्य कीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। ये एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ ये ज़रूर कहूँगी कि जो शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट की बात की जाए, क्योंकि जो आपके अष्टम भाव में भी 17 तारीख के बाद जो शनि का वक्र भ्रमण होगा और साथ साथ में शनि की दृष्टि भी यहाँ पर है, तो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूंगी कि बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिएगा यहाँ पर इस महीने, कैलकुलेटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़िएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं आपके सिक्स्थ हाउस की। सिक्स्थ लॉर्ड जो है गुरु बनकर आपके 10th हाउस में है राहु के साथ। यहां पर जो लोगों को शुगर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उनको ज्यादा ध्यान रखना चाहिए ये महीना, क्योंकि शुक्र मंगल की अवस्था है, ये यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करता है, ब्लड प्रेशर से कनेक्टेड प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, तो अपने स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। मंगल बहुत नीच का है, ये बीपी का प्रॉब्लम दे देता है, तो वहाँ आपको सतर्क रहना है। शत्रु हावी होने की कोशिश भी करेंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ गुरु और राहु का एक संयोग 10th हाउस में है, तो कार्यस्थल के अंदर क्योंकि 10th लॉर्ड भी वापस नीचस्थ है, अभी किसी भी प्रकार के कार्यस्थल के अंदर डिस्प्यूटेड स्थिति में मत रखिएगा, कि किसी पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट रखने की कोशिश इस महीने नहीं करनी चाहिए, क्योंकि व्यक्ति को धोखा मिलता है जब जब वो विश्वास करता है इस प्रकार की परिस्थिति में। लोन की बात की जाए तो लोन गुरु के द्वारा जो दृष्टि है यहाँ पर और गुरु की परिस्थिति है, लोन कैलकुलेटिव होकर लीजिएगा तो वहां प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं आएगी। सप्तम भाव की बात करते हैं, सप्तमेश शनि बनकर अष्टम भाव में और सप्तम भाव के स्वामी शनि के ऊपर मंगल की पूर्ण रूप से दृष्टि है, ये मैरिड लाइफ के अंदर मुझे लगता है इस महीने 17 तारीख के बाद शनि की वक्रवस्था, क्योंकि ये मैरिड लाइफ का स्वामी है शनि और वो वक्री हो रहा है और अष्टम भाव का स्वामी भी वक्री हो रहा है, तो मुझे लगता है ये वक्री फल आपके लिए इतना पॉजिटिव नहीं है, और साथ में मंगल की दृष्टि दोनों के ऊपर है
तो यहाँ जो लोग मैरिड है और जिसकी अभी शादी हुई है या कोई भी मैरिज की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनके रिलेशनशिप को ये ब्रेक करने का कार्य करता है। साथ में ऑलरेडी मैरिड है उनके बीच में भी लड़ाई झगड़े की स्थिति क्रिएट होती है, बहुत ज्यादा इंटेंस डिस्प्यूट होता है। और जहां भी पति पत्नी के संबंध है वहां किसी थर्ड पर्सन की एंट्री होती है, और ये डेफिनेटली मंगल और शुक्र के रिफ्लेक्शन की वजह से भी हिडन रिलेशनशिप डेवलप होती है। तो ये चीजों से आप दूर रहिए इस महीने स्पेशली। एक तो अग्रेशन से और कोई भी प्रकार के रिलेशनशिप से दूर रहेंगे, बाकी फाइनेंशियली आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। यहाँ कोई भी प्रकार का पार्टनरशिप बिजनेस को आई थिंक इस समय तो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। अष्टम भाव की बात करते हैं। अष्टम भाव में शनि वक्र अवस्था में इनलॉस के साथ रिलेशनशिप खराब हो सकते हैं। रिसर्च के लिए बहुत अच्छा है, डेफिनेटली मंगल की भी दृष्टि है यहाँ पर। और व्हीकल्स चलाने में भी थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। और एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि यहाँ पर हेरिडिटी से कनेक्टेड कोई भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर झगड़े चल रहे हैं तो ये वक्र अवस्था का शनि झगड़ों को बढ़ा सकता है। और अनएक्सपेक्टेडली आपको गेन तो मिलेंगे यहाँ पर, मगर वो इजीली नहीं मिलते, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आने के बाद मिलते हैं। और ये डिलेस करवाएगा आपसे रिसर्च में भी, और चीजों को लेकर आपको वेटिंग में रखा जा सकता है। मगर इतना जरूर कहूंगी कि आपको पति पत्नी के संबंधों में बहुत ज्यादा शांति रखनी पड़ेगी, इनलॉस के साथ आपके रिलेशंस में बहुत शांति रखनी पड़ेगी ये महीना, और स्पेशली 17 तारीख के बाद जब तक मंगल लग्न में है और शनि के ऊपर दृष्टि है, उसके बाद भी रहेगी वो तो कंटिन्यूस एक बैटल है आपके लिए ये। और वक्री शनि का होना कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को ये खराब करता है। नवम भाव की बात करते हैं। नवमेश दशम भाव में देखिए भाग्य का स्वामी आपके दशम भाव में है, तो ये काम के अंदर अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेगा डेफिनेटली। और यहां पर आपके आध्यात्मिक चिंतन के अंदर भी एक तरह से तो बढ़ोतरी है, मगर शुक्र मंगल लग्न में है तो वो कहीं ना कहीं डिस्टर्बिंग पोजीशन रहेगी, भटकाव रहेगा। मगर गुरु के द्वारा कहा जाए राहु के साथ है, तो अगर आप अपने आध्यात्मिक चिंतन के अंदर रखते हैं श्रद्धा, तो बहुत ज्यादा आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। और ये कार्यस्थल में आपके लिए भाग्य का सपोर्ट बहुत अच्छा बना हुआ है, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होते हैं। यहां पर जब बात करते हैं टेंथ हाउस की, तो टेंथ लॉर्ड लग्न में है और नीचस्त अवस्था के हैं। तो देखिए अगर मुझसे पूछें तो जॉब में बहुत ज्यादा परिवर्तन अब अगर नहीं करें तो ज्यादा बेटर रहेगा इस महीने। बहुत ही जरूरी हो तो ही परिवर्तन किया जा सकता है मेरे हिसाब से। इस परिस्थिति में जॉब को क्विट करना या जॉब को बहुत एंग्शियसली चेंज कर देना अगर ना किया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि ये अग्रेशन में आके व्यक्ति ऐसे डिसीजंस ले लेता है और फिर बाद में उसके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। और कहीं ना कहीं कार्यस्थल में भी आपको बहुत शांति से चीजों को डील करना पड़ेगा, क्योंकि गुरु एक ऐसा प्लेनेट है जो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहा है, मगर दशम भाव की स्थिति ऐसी है कि मुझे लगता है अभी कोई भी प्रकार के बदलाव या नयापन, बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट की तरफ आपको नहीं जाना चाहिए, तो ही आपके लिए सेफ रहेगा। 11th हाउस की बात करते हैं। देखिए यहां पर सूर्य रहेंगे 15 तारीख तक, तो ये एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। जहां पे आप बिजनेस कर रहे हैं, यहां जॉब कर रहे हैं, वहां आपके लिए सर्कल बहुत अच्छा बढ़ेगा, क्योंकि जब लाभेश लग्न में है तो आपको लोगों का सपोर्ट मिलता है, लोगों का कार्य में आपकी काफी आप फेमस होते हैं, आपकी चीजों को लेकर लोग आपकी बातों को मानते भी हैं, एक अट्रैक्शन बना रहता है लोगों में, और ये आपको कंटिन्यूअस फाइनेंशियल लाभ देगा, कंटिन्यूअस आपको लोगों का सपोर्ट मिलेगा। बट वही है ना कि किसी के बहकावे में आके इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, बहुत ज्यादा रिस्क टेकिंग एक्टिविटी को इस महीने नहीं लेना है। बहुत कहते हैं ना कि कोई भी नए बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आई थिंक ये समय योग्य नहीं है, मगर जो कर रहे हैं उसमें आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। 12th हाउस की बात करते हैं। 12th लॉर्ड जो है लाभ स्थान में है 7 से 24 तक, तो फॉरेन लैंड से कनेक्टेड काफी अच्छे लाभ हैं। और बाद में
24 के बाद जो बुध आपके 12th हाउस में जाएंगे तो वो भी सूर्य बुध का अपॉर्चुनिटी रहेगा, तो फॉरेन लैंड से आपको काफी अच्छे लाभ मिलेंगे जो भी विदेश जाना चाहते हैं। आई थिंक उनके लिए एक अच्छा समय कहूंगी 24 तारीख के बाद, मगर एक चीज जरूर कहूंगी कि डॉक्यूमेंटेशन को काफी क्लियर रखिएगा। जो भी एक ही चीज है कि अपने खर्चों पे बहुत ज्यादा नियंत्रण रखना पड़ेगा इस महीने आपको, और प्लान करके चलिएगा तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।